राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के नेतृत्व में आज 41वें दिन लगातार धरना जारी रहा और इस धरने की कड़ी में थोड़ी देर बाद में कुछ देर बाद में लगभग 15 से 20 मिनट बाद में 42वां दिन भी शुरू होने वाला है। लेकिन हम सरकार को खुली चेतावनी दे रखी है कि सरकार जो 12 तारीख को या जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, बड़ी रैली करने की तैयारी कर रही है, 17 तारीख को सरकार की तीसरी वर्षगांठ मनाने की जो तैयारी कर रही है, उस पर पंचायत सहायक राजस्थान का 27,000 जुटेगा जयपुर में और किस तरह की रणनीति वो बनाएगा। प्रदेश स्तरीय मंथन जारी है, इसलिए सरकार से समय रहते हुए हमारी ये गुजारिश है कि समय रहते हुए अगर हमारा कोई नियमितीकरण का कोई ठोस खुलासा नहीं किया तो राजस्थान का पंचायत सहायक अपने महावीर वाधू जी हमारे बीच में हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष पहुँच चुके हैं, इसलिए ठोस रणनीति के तहत पंचायत सहायकों ने एक निर्णय कर लिया है, किसी भी कीमत पर हम बैकफुट पर जाने वाले नहीं हैं। अगर पंचायत सहायकों का नियमितीकरण नहीं हुआ तो सरकार ये सोच लेवे कि अपने पशु पक्षी भेड़ बकरी और माँ बाप के साथ में बच्चों के साथ में राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक जयपुर में जुटेगा, जयपुर की सड़कों पर बोलेगा। इसलिए हमने तय कर लिया है, हमारे जिलों का फर्स्ट राउंड क्लियर हो चुका है, उसके बाद में सेकेंड राउंड के रिशेड्यूल जारी हैं, मंत्री MLAs के जो बंगले हैं उनको घेरने का प्रयास जारी है और सरकार के साथ ईट सीट बजाने के लिए पंचायत सहायक तट पर है। इस सर्दी के मौसम में भी टेंट में से उठ के लाइव राजस्थान के सभी 27,000 पंचायत सहायकों को हम वीडियो जारी कर रहे हैं कि वो अभी जगहें एक अलग जगहें, इस संविदा स्वतंत्रता संग्राम छिड़ चुका है, अब ये किसी भी कीमत पर बैकफुट पर नहीं जाएगा। रामजीत पटेल, संयोजक, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। आज राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का 41वां दिन आमरण अनशन के रूप में यहाँ पे राजस्थान शहीद स्मारक पर चल रहा है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री मोदी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर 17 तारीख तक अगर विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक जो 14 वर्षों से एक अल्प मानदेय के रूप में भुक्त भोगी है, उनको अगर आप नियमितीकरण के लिए आप सांत्वना देते हो या आश्वासन देते हो या घोषणा करते हो तो हमारा ये 27,000 विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ आपको एक इतिहास में एक कलमबद्ध राजस्थान के इतिहास में नहीं विश्व के इतिहास में एक स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि समय रहते अगर इन पंचायत सहायकों को नियमितीकरण आप नहीं करते हैं तो राजस्थान सरकार के विधायक और मंत्रियों के घर के आगे हम